उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल कॉरिडोर का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। शिवराज सरकार ने कॉरिडोर के लोकार्पण की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून माह में कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे, लेकिन उससे पहले ही सियासत शुरू हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। काशी कॉरिडोर की तर्ज पर महाकाल कॉरिडोर, जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे कॉरिडोर का लोकार्पण। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री को दिया न्योता। 300 करोड़ की लागत से 3 साल में तैयार हुआ महाकाल कॉरिडोर। कॉरिडोर लोकार्पण को लेकर मध्य प्रदेश में तेज हुई सियासत। महाकाल मंदिर परिसर विस्तार योजना में महाकाल कॉरिडोर का निर्माण अंतिम चरण में है। 303 करोड़ रुपए के 8 निर्माण कार्य आकार ले चुके हैं। त्रिवेणी संग्रहालय के पीछे मंदिर में प्रवेश के लिए 2 नए भव्य प्रवेश द्वार, 920 मीटर लंबा खूबसूरत कॉरिडोर, हार फूल प्रसाद श्रृंगार की दुकानें, टिकट काउंटर और सोलर सिस्टम युक्त सरफेस पार्किंग जोन का निर्माण खत्म होने की कगार पर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महाकाल कॉरिडोर के लोकार्पण का निमंत्रण दिया है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीकृति भी दे दी है। मैंने प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण दिया। उज्जैन में महाकाल महाराज की नगरी है, महाकाल महाराज के मंदिर का परिसर बन के तैयार है। ये अपने आप में अद्भुत है। इस परिसर में रुद्र सागर सरोवर, शिव स्तंभ, सप्तऋषि स्थल, कमल कुंड, त्रिपुरासुर वध, नवग्रह वाटिका उनके हाथों से संपन्न हो, और मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी परिसर को लोकार्पित करेंगे। 300 करोड़ की लागत से उज्जैन में भूत भवन भगवान महाकाल के नाम से बनाए जा रहे कॉरिडोर को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। जहां एक तरफ सरकार और बीजेपी कॉरिडोर के लोकार्पण की तैयारियों में जुट गई है, तो वहीं कांग्रेस इसे 15 महीने की कमलनाथ सरकार की बड़ी कार्य योजना बता रही है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने 300 करोड़ रुपए दिए थे। हमारे लिए धर्म, आस्था और विश्वास का केंद्र है। महाकाल पर आज तक एक भी पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं दिया, केवल फीता काटने का काम इस सरकार ने किया है। 300 करोड़ रुपए जो दिए थे कांग्रेस की सरकार में कमलनाथ जी के नेतृत्व में दिए थे, उनका काम करा था। हमारे लिए धर्म, आस्था और विश्वास का केंद्र है। महाकाल पे आज तक एक पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं दिया। जितना पैसा दिया कांग्रेस सरकारों ने उसका विकास किया, और उसका फीता काटने की बीजेपी की आदत है। जो काम कांग्रेस करती है उसका फीता काटने के लिए करती है। जबकि बीजेपी प्रवक्ता आशीष अग्रवाल का कहना है कि महाकाल मंदिर के दिव्य और भव्य रीडेवलपमेंट की प्लानिंग शिवराज सरकार के पिछले कार्यकाल में शुरू हुई थी। 2022 के बाद जैसे ही कोरोना की लहर थमी, वैसे ही बीजेपी की सरकार ने बहुत तेजी से कॉरिडोर के रीडेवलपमेंट का काम प्रारंभ कर दिया है, और बहुत जल्दी इसका लोकार्पण भी होगा और आम जनता को महाकाल के दर्शन का लाभ मिलेगा। तो वहीं कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने इसे राजनीति से प्रेरित करार दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए धर्म, आस्था और विश्वास का केंद्र बिल्कुल नहीं है, बल्कि राजनीति का केंद्र है। जिस दिन महाकाल का तीसरा नेत्र खुलेगा, सब भस्म हो जाएगा। देखिए, महाकाल मंदिर के दिव्य और भव्य रीडेवलपमेंट की ये जो प्लानिंग है वो शिवराज जी के पिछले कार्यकाल से प्रारंभ हुई, और 2020 के बाद जैसे ये कोरोना की दोनों लहरों ने थमी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत तेजी से वो रीडेवलपमेंट का काम प्रारंभ कर दिया है। बहुत जल्दी उसका शुभारंभ होगा, उसका लोकार्पण होगा, और मध्य प्रदेश की जनता के लिए एक नई सौगात महाकाल के मंदिर में दर्शन के माध्यम से मिलेगी। बीजेपी के लिए धर्म, आस्था और विश्वास का केंद्र नहीं, सिर्फ राजनीति का केंद्र। बाबा महाकाल मेरे लिए, हमारे लिए आस्था का केंद्र है, विश्वास का केंद्र है। मैं उनका भगत हूँ, पर इनके लिए सिर्फ राजनीति का केंद्र है। गलती ना करें, महाकाल की तीसरा नेत्र जिस दिन खुलेगा सब भस्म हो जाए, और स्पष्ट रूप से इनकी सत्ता का जो अहंकार है उसे भस्म करने का काम भी करेंगे, और वहां पे खेलने की कोशिश ना करें। राजनीति के अखाड़े से बाबा महाकाल की जगह को दूर रखें। महाकाल कॉरिडोर के लोकार्पण में अभी समय है, लेकिन मध्य प्रदेश का सियासी तापमान दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि 2023 में उज्जैन के राजा बाबा महाकाल का आशीर्वाद किसे मिलता है। भोपाल से अनादि टीवी के लिए कैमरामैन मनीष पावसे के साथ दुष्यंत पाराशर की